अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम नासिक। हमें आज दोस्तों नासिक में ट्रिपल के गोट फार्म, ट्रिपल के ग्रुप, एसकेके फार्म, द ब्रांड ऑफ क्वालिटी माशाल्लाह। ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं, आप शायद ही टाइगर कलर में एक साथ इतने बकरे देखे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब एक से एक आपके पास तो अलग अलग वैरायटीज है। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान। और शायद मेरे को लगता है कि आदमी आए तो पूरा दिन उसका ये बकरों में चले जाए, इतनी वैरायटी मिलेगी। और इंशाल्लाह जो आप रेट्स भी बता रहे हैं वो भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही होने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके अभी ये बकरे देख लेते हैं हम लोग, सब टाइगर कलर के बकरे। ठीक है, आइए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सो ये जो बकरों की नस्लें हैं, मेरे को लगता है कोटा है, बतीसा है। ये बतीसे है सर। अच्छा, कान में देखिए ना, एकदम माशाल्लाह टाइगर कलर एकदम। तो ये क्या वेट एवरेज के बकरे हैं भाई? ये भी सब 90 केजी प्लस है आशिम भाई। एक आधा बकरा आएगा 90 बिलो 90, बाकी सब बकरे 90 प्लस है इसमें। इनमें कलर ये यूनिफॉर्म कलर ही होता है ना? ऐसे ही होते हैं जी, यही कलर में आते हैं। और इसके अलावा ये सब खस्सी है ना? इसमें अंडू है, एक अंडू है जो भाई के अंडू नहीं बोला जाएगा, पंच किया हुआ है ये वाला। ये वाला बहुत मस्ती में, लेकिन अभी तक पूरा खस्सी नहीं हुआ, लेकिन पंच किया हुआ है। अंडू की बांस वगैरह कुछ नहीं है उसमें। देखो ये देखिए, असली कलर टाइगर का, क्या सिंग है एकदम। ये तो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, ये वन ऑफ द बेस्ट बकरा अपने फार्म में, ऐसा लगता है मुझे। 100 प्लस, क्योंकि वेट सब कुछ नहीं होता, जो इसका कलर है जी, जो इसकी पर्सनैलिटी है, सीना है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। पैर देखे, पैर कितने मोटे, मेरे हिसाब से आगे के लिए भी अच्छा बकरा है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये भी देखिए आप, सेम गला पट्टी झालर। ये बकरे जब आप लाए थे क्या वजन के थे? जी वही 45-50 केजी के आसपास, बस यही इनकी सब पट्टी थी अपनी पिछले बरस। सही, तो इनको छोड़ते बस वो अंडुल को ले जाओ आप, बाकी खसी बकरे छोड़ दीजिए यहाँ पर। थोड़ा अंडुल बकरा डाल दो, देखो इनका चंचलपन भी देखो भाई लोग। अंडुल को हम क्यों नहीं छोड़े, क्योंकि सबको परेशान कर देगा और वीडियो फिर सही बनेगी नहीं भाई। यहाँ छोड़ दो इनको साथ में, एक मिनट इनको छोड़ने दो पहले। देखो ये बकरे सब हम लोग नक पे बेचने वाले हैं। अगर 70 किलो के नीचे ऊपर हुआ, नीचे हुआ तो वजन पे खरीद सकते हैं। इसने कहा जी खरीद सकते हैं 70 किलो के नीचे। देखो खस्सी बकरे भी देखो कितने चंचल है। अकलो अकलो बीच में लो, आगे लो आगे लो आगे लो आगे लो आगे लो आगे लो। मैंने मक्की चीना का तो ग्रुप देखा था, टाइगर का ग्रुप पहली बार देखा। जी जी। सो आपको बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए जी। ये बकरा जो भी लेगा बहुत खुश रहेगा इंशाल्लाह। जी जी। कुर्बानी के लिए बहुत अफजल चीज़ है। और हरकत थोड़ी उसकी ज्यादा डेंजरस लग रही है। खस्सी है वो कैसा, बाहर निकलते नहीं बकरे, बाहर निकलने के बाद एग्रेसिव हो जाते हैं। इतने टाइगर कलर के बकरे एक साथ आज आपको दिखा रहे हैं हम, बहुत ही शानदार माशा। देखो चंचलपन देखो भाई बकरे का, चंचलपन देखो आशिम भाई, सीधा आप उनके बाड़े के पास जाके रुकेंगे वो। ये बकरे आप देख पा रहे हैं ट्रिपल के ग्रुप पे दोस्तों, एसकेके फार्म, अ ब्रांड ऑफ क्वालिटी माशाल्लाह। सो हमारे साथ में और भी कुछ नए मेहमान भी आए, मामा ये बाजू वाले हमारे बांध भाई है, बुलाइए मामा को, बुलाइए बाबा। अपने खेत को लग के इनकी भी 4 एकड़ खेती है, टमाटे की और प्याज की खेती करते है ये, और आधी रात को भी अपना कोई भी प्रॉब्लम निकला तो अपनी मदद करने के लिए हाजिर रहते हैं। आपको कैसे लगे बकरे, बन रहे अच्छे बकरे, क्वालिटी कैसी लगी आपने? मराठी मध्ये सांगू शकते मराठी बोलता है मतलब इनसे पूछना ना कि जब आए थे जब से अभी तक कैसा लग रहा है इनको? अगोदर आले होते ते टाइमापासून आतापर्यंत तुम्हाला काय बदल दिसतोय बकऱ्यांमध्ये? नाही बदल आहे, बरीच चांगली एकदम व्यवस्था। छोटे छोटे लहान होते, पहिले छोटे होते आता बरेच मोठे झाले। म्हणजे पहिल्यापासून वाढ किती झाली आपल्यापाशी? बरीचशी वाढ झाली, बरीचशी वाढ होऊन। तो ये तो पहले से देख रहे, इनसे अच्छा रिव्यू कौन दे पाएगा? क्योंकि इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपने देखा इनको बकरा पकड़ते भी नहीं आता बराबर, फिर भी वो बता पा रहे हैं कि पिछले साल में और अभी में जमीन आसमान का फर्क है। और क्या जो फार्म पे हमेशा रहते थे आप हो तो आपको फर्क ज्यादा नहीं दिखेगा, इनको बराबर दिखेगा, इनको दिखेगा। बहुत शुक्रिया मामा।
मामा का नाम क्या? शंकर बाबा। शंकर बाबा बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मंडल आपका आभारी है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका एक बार नंबर दे दीजिए मुझे। 9636339292। 2 बजे के बाद फोन करना भाई। सही, तो नाराज मत होना कोई भी, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, काम ही उतना रहता। 4 बजे तो अच्छा, अगर कोई समझो फोन नहीं लगा, आप उठा नहीं पाए जी, या कभी कभी होता है कि आप बात कर रहे हो वेटिंग पे, आप भूल गए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, फिर आप उठने के बाद रिप्लाई कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।